हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या जो प्लेयर्स की होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि ओपनिंग। ओपनिंग कैसे खेलें, इसमें हमेशा ही प्लेयर को काफ़ी दिक्कत होती है। सो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए हम इस ओपनिंग को लेके आए हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ज़्यादा याद ना करना पड़े और वो ओपनिंग फेज से काफ़ी आसानी से निकल जाएं। क्योंकि अगर आपकी पोजीशन ओपनिंग में ही ख़राब हो जाती है तो पूरे गेम में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसके लिए पहला चैप्टर में हम लोग लेके आए हैं जीको पियानो इटालियन गेम, और इसके काफ़ी सारी चीज़ों को हम आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। कैसे ये गेम शुरू हुआ देखते हैं। e4 से शुरुआत की है, e5, Nf3, Nc6, Bc4, Bc5, दोनों ही प्लेयर्स ने f2 एंड f7 पे अटैक किया हुआ है। सो ये ही इसका बेसिक आइडिया है कि यहाँ पे अटैक किया जाए। वाइट ने यहाँ पर c3 खेला और ये d4 से सेंटर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। ब्लैक यहाँ पर इसे स्टॉप नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसने नाइट f6 खेला और e4 पर अटैक किया। पीसेस डेवलपमेंट पे बड़ा ध्यान देना है, अगर आप ओपोनेंट के आइडिया को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। व्हाइट ने यहाँ पर d4 खेला है। पहले चैप्टर में हम लोग मेन लाइन ही देखने वाले हैं और एक्सप्लेन होगा 10 to 12 मूव, इवन दो 15 मूव तक तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी खेलने के लिए। तो e into d4, देन c into d4, देन Bb4, ये मेन लाइन है, तो हम मेन लाइन पर ही फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि इन्होंने Bb6 या Be7 क्यों नहीं खेला। उसका आइडिया ये है कि यहाँ पर जो मेन आइडिया होता है ब्लैक का, वो d5 करने का है, ताकि वो गेम में इक्वलिटी कर सके। और अगर आप बिशप को कहीं और हटाते हैं, चेक नहीं देते हैं, तो वाइट को मौका मिल जाएगा वो d5 एंड हो सकता है कि d6, जो कि इसका मेन थीम है यहाँ पर जीको मियानो का, वो कर देगा और आपके ये दोनों पीसेज जो है काफ़ी देर के लिए लॉक हो जाएंगे। सो इसीलिए इन्होंने Bb4 चेक दिया, जो कि मेन लाइन है, उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। Bd2, देन Bb2, नाइट Bd2, और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव नंबर भी आप याद कर लीजिए, दैट इज द मूव नंबर 8। यहां पर ब्लैक को d5 खेलना है, अदरवाइज वाइट d5 पुश कर देगा और स्पेस गेन कर लेगा, ब्लैक के पीसेस को लॉक कर देगा। सो यहां के बाद e into d5, देन Nd5, यहां पर वाइट के पास ऑप्शन है, दैट इज द कैसल एंड Qb3। सो यहां पर हम लोग ओल्ड मैन लाइन ही को यूज करने वाले हैं, दैट इज द Qb3। यहां पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो Nd5 करके ग्रैंड मास्टर ड्रा की तरफ जा सकता है, जो कि बड़ी आसानी से आपने देखेंगे कि काफी सारे ग्रैंड मास्टर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और चाहे तो अगर वो उसका ओपोनेंट वीक है और ब्लैक साइड से स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेल रहा है, तो वो तो ड्रॉ नहीं चाहेगा, जरूर चाहेगा कि विन मिले, तो उसे Nc7 मूव चूज करना पड़ेगा। सो Na5 के बाद किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है, दैट हम यहाँ देख लेते हैं। Na5, क्योंकि दोनों ही पीसेस पर अटैक है, सो Qa4 चेक देना ही पड़ेगा। इस बिशप को वाइट नहीं देना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिशप होता है। सो Nc6 एंड देन Qb3, Nf5, इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है। अगर वाइट चाहता है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा उसे चाहिए, तो Qa4, Nc6 चेक देने के बाद उसे यहाँ पर कैसल खेलना पड़ेगा, एंड Nb6, रुक e1 चेक, Bb6, Qc2 एंड Nc4, Nc4। दोनों ही साइड की पोजीशन जो है इक्वल है, दोनों ही ब्लैक साइड काफ़ी जो है सेफ है, बट वाइट का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। एक छोटी सी वीकनेस है d4 पे, बट इसको आसानी से कवर किया जा सकता है, रुके d1 खेल के, सो वाइट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली पोजीशन जो है इक्वल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस पोजीशन में। तो अब आपको यहाँ से मिड गेम खेलना होगा। दूसरे वेरिएशन की तरफ चलते हैं, जो कि है Qb3 के बाद जो ब्लैक का सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज द Nc7। यहाँ पर भी दोनों प्लेयर्स को संभल के खेलना पड़ेगा, दोनों ही के पास प्लस और माइनस है, वाइट के पास डेवलपमेंट एडवांटेज है, सो ब्लैक के पास एक आइसोलेट पॉन का वीकनेस है, जो कि उसे कंपनसेट करता है। सो यहाँ पर वाइट ने खेला कैसल, देन दोनों ही प्लेयर ने कैसल किया है, ब्लैक ने भी कैसल किया, रुक Fe1, दोनों ही साइड जो है प्रॉपर डेवलप कर रही है। c6, d5 को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर लिया है, इसका मतलब जो इस डायगनल पर प्रेशर पड़ रहा है वाइट का, वो नहीं पड़ेगा और अब आप अपनी क्वीन को भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो वाइट ने खेला Nd4, Nc5 का आइडिया है, ताकि जो है b7 पर प्रेशर रहे और आप इस बिशप को आसानी से डेवलप ना कर पाए। सो इन्होंने खेला Nb6, देन Bd3। सो बेसिकली पोजिशन जो है इक्वल है, क्योंकि ब्लैक बहुत ही सॉलिड है और वाइट डेवलपमेंट में आगे है। वाइट की तरफ एक वीकनेस है हालांकि, बट चूंकि उसका डेवलपमेंट बहुत आगे है, इसलिए उसे कंपनसेट करती है। सो ये आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उनके जवाब दे सकें। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरी सीरीज को अब छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, ताकि आपकी ओपनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर्टिकुलरली जो नए प्लेयर खेलने के लिए आ रहे हैं उन। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।